अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू सजावल वानिया बिलाल सेफ अब्दुल ओके वेट कर लेते हैं बाकी पार्टिसिपेंट्स के ज्वाइन करने का उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं आज का आप लोगों को होमवर्क दिया था लास्ट टाइम कर लिया था आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम भाइयों और आ टीचर गई ओके इलेवन पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है जैसे ही हमारे ट्वेंटी पार्टिसिपेंट्स होते हैं हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वेल अनफॉर्चुनेटली आज की हमारी क्लास ऑनलाइन है लेकिन नेक्स्ट क्लास में यू हैव टू शो मी मिड टर्म सोलूशन मवर्क और वट एवर आज जो कुछ हम ऑनलाइन डिस्कस करेंगे आपके रजिस्टर में प्रॉपर काम हुआ हो अभी आप बैठ के ऑनलाइन देख लें मैंने किस तरीके से आपको चीजें बता रही हूं लेकिन जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वीक की तो आप अपने में फेयर कर लीजिएगा क्या कह रहे हैं आप तलहा बेग मैम uh, वहाँ पे क्लास है उसका नाम वो सेशन के अंदर क्लास है ऑनलाइन क्लास के नाम से वो टेन पी एम हुआ हुआ तो शायद बच्चे उसका वेट ना कर रहे हो खुलने का वो मैंने डिलीट कर दी है आप ज्वाइन कर रहे हैं अच्छा मैंने कोई सेशन क्रिएट नहीं किया वो मैंने किया था लेकिन बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है ज्वाइन का आप सबने भी ऐसे ही ज्वाइन किया है ना तलहा जी yes, मैम ऐसे ही ज्वाइन किया है हाँ मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है ग्रुप के ऊपर चेक कर ले कोई मसला नहीं है जो स्टूडेंट तो नहीं ज्वाइन कर सकेंगे फिर रिकॉर्डिंग सुन लें यही एक हाल है ये, ये बताइए स्क्रीन शेयरिंग पे आ गई है ओके पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है ये आपके सामने मैंने बुक शेयर करी है इन द लास्ट क्लास वी हैव सो फार चैप्टर नंबर कॉम्बिनेशनल लॉजिक जहां हमने स्टडी की थी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी की और नॉर की राइट right? तो चैप्टर नंबर फाइव को आज हम कैरी ऑन करेंगे और फर्दर देखेंगे इसमें चीजें क्या क्या हैं आ गया आपका चैप्टर नंबर फोर एंड दिस इज चैप्टर नंबर फाइव ठीक है तो देखते हैं डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर फाइव है हमारे पास क्या क्या है अच्छा अभी आप लोग चाहें तो सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें चीजें लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे इंशाला फेस टू फेस तो आप सबने जो कुछ आज हम डिस्कस करने वाले आप सबने फिर अपनी कॉपीज पे करके लेकर आना है गॉट इट ठीक है जनाब ओके स्टार्ट करते हैं बिस्मेर मानी रहीम अब तो देखिए हमने काफी सारे गेट्स स्टडी करे डिजाइन करना सीखे लॉजिक डिजाइनिंग सीखी लेकिन अब हम अगर बात करते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक की ठीक है जब हम बात करते हैं ना कॉम्बिनेशनल लॉजिक की तो यहां पे थोड़ा सुनैरियो चेंज हो जाता है किस तरीके से चेंज होगा यहां पर अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक की तो यहाँ पे अब मैंने आपको बाउंड कर दिया है मैंने आपसे कह दिया है कि अब आपने यूनिवर्सल प्रॉपर्टी यूज करनी है उसी के हिसाब से आपने गेट्स बनाने अब फॉर एग्जाम्पल आई एम बाउंडिंग यू हेयर कि आपने आ, कोई भी गेट यूज नहीं करना आपको जो भी डिजाइनिंग के लिए बोलियन एक्सप्रेशन दी जाए आपने उसका गेट डिजाइन करने के लिए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी यूज करनी है या तो नैंड यूज करना है या फिर नोर यूज करना है राइट right? तो हम डिस्कस करते हैं पहली यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कहलाती है नैंड की और दूसरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कहलाती है नोर की पहले हम नैंड डिस्कस कर लेते हैं अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आपने डिजाइन करना है लॉजिक गेट इसका इन्वर्टर का ठीक है एंड यू नो इन्वर्टर का लॉजिक गेट डिजाइन करने के लिए आपको कुछ ऐसे करना पड़ता है यहाँ ए और ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट से नो नीड टू कॉपी जस्ट अंडरस्टैंड दू अगेन इन योर फ्री टाइम ठीक है अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लास आप देख लें लेकिन आप जब भी फ्री हो तो आप ये सारा काम फियर कर लीजिएगा रजिस्टर के अंदर ऑल राइट right. तो वट आई एम टॉकिंग आई एम टॉकिंग अब आपने बुलेन एक्सप्रेशन का गेट बनाने के लिए नाउ यू आर बाउंड यू हैव टू यूज ऑनली यूनिवर्सल प्रॉपर्टी अब नैंड कहता है पहली प्रॉपर्टी कौन सी है नैंड की है आपको पता है नैंड कैसे बन मन... कि आपने ए और बी को क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है और क्योंकि नैंड लगा हुआ है तो आपने यहां पे क्या कर दिया है कॉम्प्लीमेंट राइट right? अब देखिए मैं जस्ट टॉकिंग कि मैं आपको बताना ही चाह रही हूँ अब हम जब बात करते हैं ना कि इन्वर्टर है और इन्वर्टर को मैंने कन्वर्ट करना है NAND में अब मैं इन्वर्टर यूज नहीं कर सकती तो आपने फिर किस तरीके से गेट बनाना होगा आपने फिर ऐसे गेट बनाना होगा ठीक है

मैंने आपसे कहा कि आपने डिजाइन करना है ए डॉट बी का गेट सही लेकिन आपने यूज नहीं करना एंड ऑपरेटर और कोई सा भी ऑपरेटर और एंड नॉर वॉट एवर यू हैव टू यूज ऑनली नैन गेट ठीक है तो देखिए पहले तो आप इसका सिंपल सा गेट बनाए अंडरस्टैंड करने के लिए आपने कहा कि भाई ए डॉट बी का अगर हम सिंपल सा गेट बनाए तो यहाँ ए आता है यहाँ बी आता है और हम सिंपल तरीके से ए डॉट बी कर देते हैं लेकिन अगर हमें यूनिवर्सल प्रॉपर्टी लगानी है देन हम क्या करेंगे तो देखें बहुत ही सिंपल सा है आप सबको बुल एक्सप्रेशन के ट्वेल्व रूल्स पता है डिमोर्गेन्स लो पता है तो आप आसानी से इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आपने कहा इसी गेट को मैंने दोबारा डिजाइन किया विद द हेल्प ऑफ नैंड प्रॉपर्टी लेकिन अगर हम नैंड यहाँ पे यूज करते हैं तो दैट्स मीन ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है राइट right? तो अब हम क्या करें तो देखें अब आप क्या करें यहां से एक दफा और नैंड निकाल दें तो आप जब एक दफा और नैंड निकालेंगे तो ए डॉट बी पे जो पहले कॉम्प्लीमेंट था अगेन कॉम्प्लीमेंट आ गया और दोनों कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द बोल एक्सप्रेशन रूल कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है और ए बचता है तो ये रूल हमने यहाँ लगाया तो डेट्स मीन यहाँ आपको मिल गया ए डॉट बी आपने सक्सेसफुली ए डॉट बी का गेट बना लिया विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नैंड ठीक है इस तरीके से अब आपने सोचना है और डिजाइनिंग करनी है आई होप आपको ये बात क्लियर होगी थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं अब इसको ये जितने पिक्चर्स पे हम काम करेंगे ये सारी पिक्चर्स मैंने सेव कर दी ताकि एट द एंड आई विल अपलोड ये आ गई आपकी पिक ठीक है सेव ये मैंने सेव कर दी है ताकि एट द एंड हसीब तलहा सजावल आप सब इसको कॉपी कर लें रजिस्टर्स में वेल अब मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू डिजाइन अ गेट जो कि इस बुलन एक्सप्रेशन का हो ए प्लस बी राइट तो a प्लस बी का अगर हम सिंपल सा गेट बनाएं तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आपने एक ही वाला सिंबल लिया और का और आपने यहां से दो वायर प्रोड्यूस कर दिए a और b एंड दिस इज a प्लस बी राइट बट द थिंग इज डैट यू हैव टू फॉलो आर यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड ठीक है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी दो ही होती है एक होती है नैंड दूसरी होती है नॉर फिलहाल हम नैंड डिस्कस कर रहे हैं तो हम नैन को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको ब्रेन स्टॉमिंग करनी होगी कि हम किस तरीके से डिजाइन करें तो देखिए मैंने यहाँ पे सोचा कि अगर मैं यहाँ पे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लू फिर डॉट लगा के मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दू लाइक दिस लेट मी ड्रॉ मैंने कहा पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल देती हूँ क्योंकि इन्वर्टर इज यूज लाइक अ नैन गेट नाउ तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया अब मैंने सोचा कि यहां से बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो यहां से आ गया बी कॉम्प्लीमेंट राइट right? अब क्या करें ऐसा कि प्लस आ जाए हम और ये डॉट आ जाए डॉट के लिए तो आपको पता है ये यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये यह यूज नहीं कर सकते हमें तो ये यूज करना है ठीक है तो ऐसा क्या करें कि हमें डॉट मिल जाए तो देखिए इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि अगर हम आगे जाके दोनों को कंबाइन कर दें और कीजिएगा ये आ गए थोड़ा सा मैं आवाज यहां पे ओके जनाब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पेपर वर्क किया दो फॉर्मूलाज लिखे हैं जिमोर्ग थ्योरम के पहला है एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल है एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट के कैन एनी टेल मी कि इस एक्सप्रेशन में पहला फॉर्मूला लगेगा या दूसरा फॉर्मूला लगेगा <coughs> प्लीज कीजिएगा वाला ओके okay, फर्स्ट लगेगा दैट्स so कि ए पे कॉम्प्लीमेंट पहले का था लेकिन एक फॉर्मूले का लग गया डॉट कन्वर्ट हुआ इस प्लस साइन में बी पे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द रूल वी नो डेट ए डबल बार बराबर होता है ए के तो so देखिए कैंसिल हो गया आपको क्या मिल गया ए प्लस बी यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें ए प्लस बी का बनाना था डिजाइन अब देखिए मैंने यहाँ पे यही किया पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग ले लिया अब दोनों पे मैंने क्या लगा दिया फिर से नैन गेट बना के मैंने बार लगा दिया यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो बिल्कुल ये ए प्लस बी के इक्वल आया क्या आपको ये गेट डिजाइन करना आ गया है मुश्किल तो नहीं लग रहा ओके okay. ये हमारी थी सेकेंड पिक्चर मैम हम yes. एक ही NAND गेट में दो इनपुट भी तो ले सकते थे अलग अलग लिए आपने उसकी कोई खास हो जाए हाँ क्योंकि हमें बीच में प्लस चाहिए था देखें अलग अलग लेती तभी तो बीच में प्लस लगेगा फॉर्मूला लगेगा एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लिया जब तो डॉट की जगह प्लस आया समझे ये खास वजह है ओके okay. और एग्जाम्पल करते हैं क्लियर होगा अब मैंने आपसे कहा कि आपने ऐसा गेट बनाना है जिसमें ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है <coughs> लेकिन यू इन्वर्टर आपने कुछ भी यूज नहीं करना आपने यूनिवर्सल प्रॉपर्टी यूज करनी है तो सबसे पहले तो अगर हम सिंपल सा गेट बनाए इसका तो सिंपल सा गेट तो बिल्कुल ऐसे बनेगा कि आपने और लगाया गया ए या गया बी एंड देन आपने इन्वर्टर लगाया और ये बन गया ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे बनाता था ए प्लस बी आप ये भी करते हैं अक्सर आप गेट बनाने के लिए आप यहाँ पे बबल लगा देते हैं और ये डायरेक्ट बन जाता है आपके पास ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसा ही है ना लेकिन अभी हमें ऐसा यूज नहीं करना है हमें सिर्फ और सिर्फ नैंड यूज करना है और इसका गेट डिजाइन करना है ठीक है तो मैं इसको रिमूव कर रही हूं फिलहाल यहां से बिकॉज आई हैव टू अप्लाई हेयर द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ने करें बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले था पहले ए प्लस बी था अब ए प्लस बी के ऊपर बार बना दिया है ठीक है अब देखिए वही बात है जिन्होंने अभी मुझसे बात करी वॉइस पर कि ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट मुझे अलग अलग लेना पड़ेगा ताकि जब मैं इसका होल कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो मुझे a पे डबल बार मिलेगा डॉट कन्वर्ट होगा प्लस में और b पे डबल बार मिलेगा तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगी फिर मुझे मिल जाएगा ए प्लस बी ए प्लस बी मिलने के बाद फिर से मैं इसमें नैंड गेट लगा दूंगी ताकि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए क्या ये बात क्लियर है आप सबको मैंने यहाँ पे जो डिमोर्गन्स लगाऊंगी ऑब्वियसली वो डॉट वाला लगाऊंगी यहाँ पे कि भाई एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट के तो ये आपका एक्स था ये आपका क्या था वाई था ठीक है अब देखिए मैंने इसका गेट जब बनाना स्टार्ट किया तो मैं यहां पे स्टार्ट कर रही हूं ये मेरे पास ए का आ गया ए का बार जिससे मैंने ब्रेन स्टॉमिंग करी है यहां पर ये मेरे पास दूसरा आ गया बी का बार दोनों को मैंने मिक्स किया तो ये आ गया, आ गया आपके पास क्या आ गया ए बार डॉट बी बार पे होल बार ये बन गया आपका ठीक है आपको पता है जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास ये बन जाएगा ठीक है लेकिन आप सर्किट में सॉल्व नहीं करते आप बैक एंड पे सॉल्व करते हो सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि ये चीज जब इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी तो एट द एंड हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में बार डला हुआ है तो आपने कुछ भी नहीं किया आपने फिर से यहाँ पे क्या लगा दिया बार लगा दिया तो देखिए आपका जो सवाल था ना वो कुछ ऐसे हो गया कि भाई ए बार डॉट बी बार बार और फिर से बार कुछ ऐसे हो गया तो आप ये भी कह सकते हैं आसान लफ्जों में इसको मैं मिटा रही हूं कि भाई यहां तक सॉल्व किया हमने यहां तक तो हमें क्या मिला ये मिला ए प्लस बी और जब हमने ये लगाया गेट तो हमें क्या मिला ए प्लस बी का बार मिला शुड आई रिपीट अगेन दिस एग्जाम्पल या क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स ओके okay. सजावल so, मिस क्लियर है अदर पार्टिसिपेंट्स ओके वेल आगे चलते हैं अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बुक में कुछ और एग्जाम्पल दी हुई हैं अब ये बुक में आपकी बुक आ गई यहाँ पे बनाए हुए होंगे अब देखें ये सिंपल बना हुआ है लेकिन यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कहां यूज करी हुई है चेक कर लेते हैं I think chapter था hmm. Sixth था, कि, fifth था control कर लेते मैम इस पे प्रिंट नहीं और सर्च नहीं होगा क्योंकि बुक का पीडीएफ पिक्चर्स हैं इसकी हम्म hmm. पिक्चर्स जली हुई है, राइट स्ट्रॉलिंग कर लेते हैं अब ये देखें ये चैप्टर नंबर फाइव में यह आपका यूनिवर्सल प्रॉपर्टी का टॉपिक यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं चैप्टर नंबर सिक्स आ गया है ऊपर जाते हैं फाइव 4 के बाद यह आ गया फाइव अभी हमने जो डिस्कस की एग्जाम्पल थोड़ा उससे एडवांस लेके चलते हैं ये हमने डिस्कस एग्जांपल, कुछ और लेके चलते हैं अब जैसे देखें यहां पर नॉर के बारे में दिया हुआ आई थिंक ये आ गया आपका नॉर। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नैंड अब दूसरा क्या है आपका यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नॉर यही है नॉर नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल लॉजिक अब देखें इन्वर्टर था पहले हमने इन्वर्टर को यूज किया नैंड में देखें गौर से देखिए नैंड में यूज किया ना हमने अब आपने सिर्फ नॉर ही यूज करना है अब आपने इन्वर्टर को यूज करना है एज ए नॉर में थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं यहां पर और इस पिक्चर को भी सेव कर लेते हैं ठीक है जनाब यहां देखिएगा अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने गेट बनाना है पहला लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का लेकिन आपने नोर ही यूज करना है तो आपने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले तो आपने सिंपल सा गेट बनाया कि भाई ये आ गया आपका इन्वर्टर इस ए से आपको मिल गया ए बार लेकिन अब आपको फिक्स कर दिया गया है कि आपने यूनिवर्सल प्रॉपर्टी यूज करनी है नॉर की तो नॉर कैसा होता है आपको पता है और पे कॉम्प्लीमेंट बन गया नॉर ऐसे ही है ना कि ए प्लस बी या ए प्लस बी और नॉर मतलब कॉम्प्लीमेंट लेकिन फिलहाल आपने हर वूड एक्सप्रेशन को नॉर ट्रीट करना है तो यहां पे मैंने नॉ ट्रीट करने के लिए ये नॉर है ना आपका नॉर तो यहां मैंने नॉट ट्रीट करने के लिए ऐसे करके सिंबल बना लिया कि भाई हम इस तरीके से नॉर में यूज करेंगे ठीक है थोड़ा सा मुश्किल लेके चलते हैं इसको तो पहला मैंने आपको बताया कि आपने इस तरीके से यूज करना है कॉम्प्लीमेंट को एज ए नॉर यूनिवर्सल प्रॉपर्टी लगा के सेकेंड अब मैंने आपसे कहा कि भाई आपने प्रोड्यूस करना है ए प्लस बी लेकिन आप नॉर के थ्रू प्रोड्यूस करें तो आपने कहा अगर हम सिंपल प्रोड्यूस करेंगे तो ये आ गया सिंपल ए प्लस बी लेकिन अगर नॉर के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे तो देखें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा नॉर के थ्रू कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आप आपने कहा कि अगर मैं याला नॉर लगाता हूं तो मुझे ए प्लस बी तो नहीं मिलेगा अलबत्ता ए प्लस बी पे कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा कोई बात नहीं मिल जाए आप फिर से एक और नोड लगा दें एक और नॉर लगाने का फायदा ही होगा कि ए प्लस बी पे जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है एक और कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा दोनों कैंसिल होकर आपको क्या मिल जाएगा आंसर ए प्लस बी तो इस तरीके से आप नॉर का गेट बना सकते हैं इस एक्सप्रेशन का ये बात क्लियर है अच्छा अब मैंने आपसे कहा कि आपने बनाना है तीसरा A प्लस बी प्लस सी बट यू हैव टू अप्लाई यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नॉर बहुत सिंपल सा था आपने यहाँ पे नॉर का गेट बनाया A पास किया B पास किया C पास किया आपको यहां मिला A प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट बट क्वेश्चन मतलब तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो आपने यहाँ पे एक और गेट बनाया एक और गेट जब आपने बनाया तो यहां आपको मिला ए प्लस बी प्लस सी का डबल कॉम्प्लीमेंट दोनों कैंसिल हो गए और आपको आपका आंसर मिल गया ठीक है इसको भी सेव कर लेते पिक्चर नंबर फोर के नाम से बताइए कोई मसला अब आते हैं आगे इजी नहीं है नैंड भी इजी है अब मैं आपको थोड़ा सा नॉर मुश्किल वाला कराती हूँ देखिएगा अब मैंने आपसे कहा कि भाई आपने की से इस नक्सप्रेशन का करना है, नॉर की हेल्प से ठीक है अब हम अगर नॉर की हेल्प से बनाते हैं थोड़ा सा सोचते हैं इस बात को तो भाई आपने कहा नॉर तो आपको ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट देने वाला है क्या ये बात ठीक है यही है ना नॉर नॉर तो आपको ये देने वाला है आउटपुट के अंदर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लेकिन आपने कुछ ऐसा सोचना है कि ए डॉट बी मिले तो देखे पहले भी जो लॉजिक लगाई थी मैं वो लॉजिक फिर से यहाँ लगाना चाहूंगी आपको याद है पहले मैंने एक कॉम्प्लीमेंट अलग लिया था यहाँ पे भी मैं अलग लूंगी फिर मैंने बी कॉम्प्लीमेंट अलग लिया था यहां पे भी मैं अलग लूंगी देखिएगा तो यह आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है ओके अब इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी और कीजिएगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट यही बात है ना तो जब मैंने इनको प्लस किया तो ये कुछ ऐसे बन गए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट अब क्या ये जो आंसर बना है ये इसके बराबर है या नहीं तो ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ यू नो डेट के यहाँ पे जो अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टी डिमॉर की वो ये वाली अप्लाई होगी एक्सप्ल वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट के तो दैट्स मीन ए पे कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था एक फार्मूले का लग गया प्लस कन्वर्ट हुआ डॉट में बी पे कॉम्प्लीमेंट था एक फॉर्मूले का लग गया एंड यू नो राइट गाइस के ट्वेल्व रूल का पहला रूल कहता है कि ए पे डबल बार आ जाए तो उसको इक्वल कर देते हैं ए के ये मैंने आपको रूल्स बताए तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल आ गया B, तो बिल्कुल ये हमारा गेट बिल्कुल ठीक बना है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल है ए डॉट बी के क्या ये बात क्लियर है आप सबको एक तरीके से देखा जाए तो बैक एंड पर निमॉर्गे चल रहा है जो सॉल्व करके बता रहा है कि हमारा गेट ठीक बना है या नहीं बना है 28 पार्टिसिपेंट्स पे ऑनलाइन ठीक है आ, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट अभी भी मुझे लग रहा है काफी एम्बिग्यूटीज हैं आपके माइंड में लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे यू you नो know, मजा नहीं आएगा तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप बैठ के इसको फेयर कर लीजिएगा वेल हमने पांच प्रैक्टिस कर ली एग्जाम्पल्स की मैंने यहाँ पे सेव भी कर दी है आई विल अपलोड एंड आगे चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल करते हैं नॉर की अब मैंने आपसे कहा कि आपने नॉर को यूज करना है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी आपने नॉर को यूज करना है और आपने इस एक्सप्रेशन का क्या बनाना है गेट बनाना है तो अगर हम इस एक्सप्रेशन का सिंपल सा गेट बनाएं तो बहुत ही आसान है बस जिंदगी थोड़ी मुश्किल कर दी है मैंने आपकी कि मैंने आपसे आप कहा है कि आपने सिंपल गेट नहीं बनाना आपने यूनिवर्सल प्रॉपर्टी यूज करके बनाना है अब एग्जाम में भी या कोई हिसाब से लिया जाएगा तो मैं आपसे कह दूंगी कि इस वाले एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में आप बाउंड हैं आपने सिर्फ और सिर्फ नैंड यूज करना या नॉर यूज करना है या मैं कहती हूँ कि आप सिंपल तरीके से बना लें सर्किट तो आप सिंपल तरीके से बना लेंगे राइट right? वेल well, स्टार्ट करते हैं तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने माइंड में बिठा लें कि इसका गेट बनाने के लिए अगर हम सिंपल सा गेट बनाए तो यूनो you राइट know right, ऐसे बन जाएगा लेकिन मसला ये हमें प्रॉपर्टी फॉलो करनी है वो कौन सी प्रॉपर्टी भाई नॉर की प्रॉपर्टी और नॉर तो कहता है भाई मैं तो ऐसा हूं ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो देखें इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने डिमोर्गे का फॉर्मूला सोचा अपने माइंड में कि भाई मेरी हेल्प कर सकता है इसको डिजाइन करने में ठीक है अब देखें कैसे सोचा मैंने कहा कि मैं ए कॉम्प्लीमेंट अलग ले लूंगी बी कॉम्प्लीमेंट अलग ले लूंगी फॉर्म बना के देखती हूं मुझे ये चाहिए तो मैंने नॉर लगाया नॉर को ट्रीट किया एज एन इन्वर्टर ठीक है एज एन इन्वर्टर ट्रीट किया आपको पता है ना इन्वर्टर कैसा होता है ऐसा होता है वही ऐसे आपको ये कॉम्प्लीमेंट देता है तो मैंने यहाँ पे नोर को एज एन इन्वर्टर ट्रीट किया तो वहां मुझे ए कॉम्प्लीमेंट देन बी कॉम्प्लीमेंट नोर वो है सो सी गाइज आई एम डूइंग एक और कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो मैंने इन दोनों को जब मर्ज किया देखिएगा तो ये कुछ ऐसे हो गए प्लस लग गया बीच में ठीक है ना ए कॉम्प्लीमेंट डॉट की जगह प्लस आ गया बी कॉम्प्लीमेंट और इन सब पे यू हो गया अब इसको सॉल्व करते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है प्लस चेंज हो गया डॉट में ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो ये कट कटा के क्या मिल गया आपको ए डॉट बी राइट हेयर कि यहाँ पे कौन सी डिमोर्गे की प्रॉपर्टी लगी है आप माशाल्लाह बेचोर हो गए यहां लगी एक्सप्ल वाई का होल कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होता है एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट्स वाई यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अलग कर लिया कॉम्प्लीमेंट अलग कर लिया तो मीन इन सबको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिला ए डॉट बी मिला लेकिन क्वेश्चन में तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है तो आपने कुछ भी नहीं किया आपने यहाँ पे एक और ले लिया यहां से आपको ए डॉट बी मिला और यहां से आपको ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया ठीक है यह आपका बन गया सर्किट सेव कर लेते हैं इसको यह आ गई हमारी पिक थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करके बना देती हूं मैंने आपसे कहा कि ए बी कॉम्प्लीमेंट का सर्किट बनाओ और नॉन यूज करो तो आपने यहां से ए निकाला आपने यहां से b निकाला ठीक है अगेन आई एम रिपीटिंग फिर आपने इन दोनों को क्या किया मार्च किया विद द हेल्प ऑफ नॉट तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट मिल गया जब आपने डी मॉर्गनस लगा के सॉल्व किया आपको करना पड़ेगा सॉल्व बैक हैंड पे तो आपको a डॉट b मिला तो आपने सोचा कि कुछ भी नहीं करना मैंने तो आगे बस मैंने यहाँ पे बार लगानी है तो आपने यहाँ जाके एक और नॉर लगा दिया तो आपको यहां पे मिल गया ए डॉट बी का बार ये क्वेश्चन था आपका ये गेट बन गया ठीक है जनाब इसको भी सेव कर लेते हैं पिक नंबर सेवन के नाम सिक्स के नाम से है, सेवन मैम सिक्स सिक्स ओके okay. जी ऐसा ही है सजावल का कमेंट आया है मॉर्गन यूज होता है ज्यादातर अच्छा जी अब 29 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन है आले अब्दुल्ला हसीब वासिद आमना बिलाल दुआ जहरा हारून हफीज हमजा हमजावे मोहम्मद हारिस मोज अहमद शयान उमर खान उजैर खान उजैर शमसी रजीन रियान रुबास सैफ सैफ अली सजावल सैयद वसे महरोज ततहीर फातमा उस्मान अली वानिया यूसुफ न्यास फिलहाल क्लास चल रही है ठीक है क्लास में जो अंडरस्टैंड ना हो पाया आप वो पूछें ऑल राइट right. अब देखिए मुझे कहा गया है कि गेट बनाओ किसका ए बी प्लस सी डी का तो यहां बनाया हुआ है नैंड को यूज करते हुए अब मैं आपको बताती हूं कि NAND जो है उसकी एक और प्रॉपर्टी है ठीक है अगर आप यूनिवर्सल प्रॉपर्टी NAND यूज कर रहे हैं तो आप डिंगेटिव और भी यूज कर सकते हैं मतलब ये वाला और नैन बराबर होता है निगेटिव और के लेट मी राइट हेयर अगेन मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई नैंड की ठीक है नैंड मतलब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट और से देखिएगा फिर मैंने आपको आपने अंडरस्टैंड किया ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ठीक है यानी के नैंड मतलब ये वाला गेट नॉर मतलब ये वाला गेट, ओके, लेकिन अब हम कहते हैं थोड़ा सा एडवांस करते हैं कैसे एडवांस अब मैंने आपसे कहा कि नैंड जो है वो बराबर है गौर कीजिएगा अगर मैं इधर फॉर्मूला लगा दू नैंड में क्योंकि नैंड आई नोट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है अगर मैं यहां डी मॉर्गन का फॉर्मूला लगा दू तो ये एक्स है ये वाई है एंड आई नो डेट एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट के राइट right? तो मैंने कहा कि भाई नैंड आपका बराबर है अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डॉट कन्वर्ट हुआ प्लस मैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है यानी कि आपका जो है वो इसके बराबर भी और, और इसका गेट कैसे बनेगा भाई इसका गेट ऐसे बनेगा दो बबल्स आएंगे ये ए का बबल आ रहा है ये बी का बबल आ रहा है और ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बताएं ये बात समझ में आई इसी तरीके से अगर हम नॉर की बात करें तो नॉर देखें आप किसके बराबर है ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसको सॉल्व करें ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम सॉल्व करें तो ये एक्स है ये वाई है डिमोर्गेन थ्योरम लगाएं तो वो कहता है डॉट को कन्वर्ट कर दो प्लस में तो आपने प्लस में कन्वर्ट कर दिया प्लस कहता है प्लस को कन्वर्ट कर दो डॉट में तो आपने डॉट में कन्वर्ट कर दिया तो यानी कि नैंड की इक्वेशन इसके बराबर भी है और यहाँ पे नैंड की क्वेश्चन किसके बराबर भी है इसके बराबर भी है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना फॉर्मूला हमने यहाँ पे कौन सा डिमॉर्गेन लगाया पहले मैं लिख देती हूँ X प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है X कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट के तो यह आ गया आपका A का कॉम्प्लीमेंट B का कॉम्प्लीमेंट अब देखें मैंने आपसे कहा नॉर इसके बराबर है लेकिन अब नॉर इसके बराबर भी हो गया गौर कीजिएगा ठीक है तो लेट मी हाईलाइट नॉर आपका इसके बराबर भी है नॉर आपका इसके बराबर भी है तो देखें अब आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई अब बुध एक्सप्रेशन की अगर आपको इक्वेशन दी जाए तो अगर आपको कहा जाए कि यू आर बाउंड टू तो यूज नॉर गेट तो नॉर गेट की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं एक ही इन दोनों अब मैंने आपसे कहा यू हैव टू यूज ओनली नैन गेट तो आप ये भी यूज कर सकते हैं आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सेव कर लेते हैं इसको बुक में भी यही बताया हुआ है ऊपर लेट मी शो यू ये देखें कहा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है नैंड की पूरा डिजाइनिंग नैंड से हुई हुई है लेकिन याला गेट भी यूज किया क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना कि नैंड इसके बराबर है की दिखाती मैं आपको ये नॉर यूज हुआ, हुआ हुआ है लेकिन नॉर के अंदर नैंड यूज हुआ हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं तो दैट्स मीन थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं मैंने आपको बताया क्या मैंने आपको बताया कि आप इस वाला गेट को जब आप यूज करें तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट वाला जो अगर आप यूज करें तो आपको पता है ये बराबर है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के तो आप ये गेट भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कि आप इसको ले लें ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के यहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा अंडरस्टैंड करने के लिए यहां आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ठीक है ये नॉर के बारे में था लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके नैंड यूज करना है एज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी फॉर डिजाइनिंग ऑफ द सर्किट तो ये आ गया आपका नैंड ठीक है और नैंड आप जब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद तो आपको पता है यह आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो जब आप इसका सर्किट डिजाइन करेंगे तो ये बराबर होता है इसके ठीक है तो आप देखें जहां जहां ये लगा हुआ है वहां वहां ये लगा हुआ है लेट मी शो यू ये देखें जहां जहां ये लगा है, वहां वहां ये लगा हुआ है मैंने भी तो आपको यही बताया जहां जहां ये होगा वहां वहां ये होगा ओके okay. अब कुछ और बड़ी एक्सप्रेशन देखते हैं रियान के समझ में आया <coughs> और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसका गेट बनाते हैं ठीक है एक और मैं आपको एडवांस कराऊंगी नैंड का एक और एडवांस कराऊंगी मैं आपको नॉर का जहां पे दोनों प्रॉपर्टीज कैसे यूज हो रही हैं। है ठीक है बिल्कुल एक्टिव रह के थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा तो यहां से स्टार्ट करते हैं और बुक ही कोई देख लेते हैं एग्जाम्पल hmm. की बनाते हैं स्टार्ट करते हैं बनाना नैंड की एग्जांपल बनाते हैं ठीक है क्वेश्चन वाला ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं खुद से यहाँ पर, okay, पर आपसे कहा है कि आपने एक्सप्रेशन लिखी भी है आपने डिजाइन करना है इसका लेट मी चेक लिखा हुआ क्या था इम्प्लीमेंट इच एक्सप्रेशन विथ नैंड लॉजिक अब आपको बाउंड कर दिया गया है नैंड लॉजिक यूज करनी है आपने ओके okay, यानी कि हमने नैंड यूज करना है ठीक है ये हमने नैंड यूज करना है यहां पर सॉरी लेकिन हम हमें पता है कि नैंड हमारा बराबर होता है इस चीज के भी मैंने यहां बना लिया अपनी आसानी के लिए ठीक है यह आ गया ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट और यह आ गया अलग बी अलग और ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आई नॉट इट ये इसी के बराबर होता है ठीक है जनाब क्वेश्चन क्या था हमारे पास लेट मी राइट हेयर क्वेश्चन था ए बी सी प्लस डीई अब हमने डिजाइन करना है गेट लेकिन हमने नैंड यूज करना है तो नैंड यूज करने से पहले इसका पहले सिंपल सा गेट बनाते हैं तो सिंपल गेट अगर हम इसका बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा ए बी सी आ गया यहाँ से आ गया आपका डी और ई e. डी और ई e. और इन दोनों को आपने क्या कर दिया मर्च कर दिया हमें प्लस डी ई है। है तो, e. तो ये तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से आता है ठीक है मैंने इसको मिटा दिया है अब सिर्फ रिकॉल बैक किया था ओके लेकिन हमें यूज करना है मसला ये है नैंड देखें करते हैं इसको यूज इन तो आइडिया ये आया माइंड में कि सबसे पहले यहाँ पे नैंड से तीनों निकालते हैं तो देखिएगा ए बी सी तो यहाँ आपको मिल गया ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट अब मसला ये है क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्वेश्चन में क्या है ए बी सी लेट सी नहीं बनेगा तो काट देंगे ये आ गया हमारा डी ई e. तो ये आ गया डी और ई e. तो दैट्स मीन यहां आपको मिला डीई e का कॉम्प्लीमेंट अब इन दोनों को प्लस करना है तो देखें अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको ना यूज करूं मैं इसको यूज कर लू प्लस के लिए तो और कीजिए मेरी जिंदगी और आसान हो गई जब मुझे पता चला कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नैंड इसके भी बराबर है मैंने यहां पे यूज किया ये वाला सिंबल ठीक है अब जैसे मैंने यूज किया तो इस बबल से ये बबल क्या हो गया कैंसिल तो ये आपका बार जो था क्या हो गया हट गया इस बबल से ये बबल कैंसिल क्योंकि बबल से बबल दो बार लगते ठीक है ना दो बार लगते हैं ना आपके यहां पे कैंसिल वाला बार भी आपका कैंसिल इसका मतलब ये है कि ए बी सी पहले का बार अपना बार इसका बबल का प्लस डी ई e, पहले का बार उसका अपना बार दोनों कैंसिल क्या मिला ए बी सी प्लस डी बताइए समझ आई ये बात ठीक है इसको मैं सेव कर लेती हूं एक और एग्जाम्पल करते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है ए बी सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ई कॉम्प्लीमेंट इसको सॉल्व करते हैं अब इसका गेट बनाना है स्टार्ट करते हैं वही लॉजिक अप्लाई करेंगे पहले हमने नैंड ले लिया और कौन सा गेट बनाना है नैंड को यूज करना है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नैंड यहाँ पे आ गया आपका ए बी सी ठीक है जनाब यहां से आपको मिल गया ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट अगला देखते हैं डी कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी चलाकी करी मैंने यहां पे यूज किया इसको आ, निगेटिव और को तो ये कॉम्प्लीमेंट से ये कॉम्प्लीमेंट तो कैंसिल यहाँ ए बी सी का बार और जिस पे मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसके लिए मैंने क्या किया सिंगल निकाल लिया डी देखे क्योंकि मुझे कैंसिल करना नहीं था अगर मैं यहाँ पे ये लेती ना डी कॉम्प्लीमेंट फिर ई का क्यों कैंसिल हो जाते हैं बबल से बबल इसलिए मैंने क्या किया सेपरेटली वायर निकाला डी कॉम्प्लीमेंट का सेपरेटली वायर निकाला ई कॉम्प्लीमेंट का कुछ भी नहीं किया फिर इसको प्लस कर दिया डी बताइए समझ में आया या आपका बन गया सर्किट बिल्कुल ऐसे ठीक है तो इसको भी सेव कर लेते हैं अब नॉर पे आते हैं टेन जनाब नॉर पे आते हैं बुक से देखते हैं नॉर की कोई एग्जाम्पल दी हुई है बुक में जी कुछ ऐसा ही था और कर रहे हैं अभी इंशाला क्लियर हो जाएगा ठीक है ये वाली एग्जाम्पल करते हैं सही है ये? ये वाली सोचते हैं कैसे होगी पहली वाली आप लोग करेंगे कॉपी पे अपनी और मुझे पिक्चर भेजेंगे मैं आपको दूसरी वाली करा रही हूं सोचते हैं दूसरी वाली कैसे होगी आ जाते हैं यहां पे आप लोग पिक्चर ले लें इसकी पहली वाली आपने करनी है नैन यूज करना है और मुझे टेलीग्राम पे आंसर दिखाने आपने और दूसरी वाली नॉर वाली मैं कर रही हूं मेरी हेल्प करनी है आपने इसके अंदर पिक्चर ले लीजिए ओके आई होप आप लोगों ने पिक्चर ले ली है इसकी ठीक है तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास लेट मी राइट इंप्लीमेंट द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या दी हुई ये दी है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी प्लस ई कैसे करना है नॉर लगाना है ठीक है थोड़ा सा पेपर वर्क कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई नॉर लगाने के लिए एक तो हम ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं ठीक है ना और हमें पता है कि इसका मतलब है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और नॉर्ड लगाने के लिए हम इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं हम निगेटिव एंड यूज कर सकते हैं हमें पता है ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के तो ये आ गया आपका निगेटिव एंड ए और ये आ गया आपका बी इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है ना आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे गाइड करेगा कि इस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं ये यूज कर लू नीचे वाला पहले वाला ना यूज करूं मैं नीचे वाला यूज कर लू क्या कहते हो बताओ बताओट तो मैंने यहां पे यूज किया गौर कीजिएगा चाहू तो मैं पहला वाला भी यूज कर सकती हूं थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैंने पहला वाला यूज किया मैंने ए कॉम्प्लीमेंट अलग लिया इसको एज एन इन्वर्टर ट्रीट किया यहां मैंने बी कॉम्प्लीमेंट अलग लिया ठीक है यहां मैंने सी कॉम्प्लीमेंट अलग लिया इन सबको जब मैंने प्लस किया वो ये निगेटिव और लगा के प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और उसका होल कॉम्प्लीमेंट आई नो डैट कि वेन एवर आई सॉल्व दिस मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है मुझे यहां मिलने वाला है ए डॉट बी डॉट सी ठीक है मुझे यहां ये यह मिलने वाला है आप सॉल्व करके देख लीजिए आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस कन्वर्ट हुआ डॉट में बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस कन्वर्ट हुआ डॉट में सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो ये कैंसिल 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 क्या मिला एबीसी लेकिन हमें तो क्वेश्चन के अंदर अलग अलग क्या चाहिए बार चाहिए एबीसी तो नहीं चाहिए तो ये तो गलत हो गया ऐसे तो बनेगा नहीं ठीक है मैं खुद आपको जान जान के स्टार्टिंग में गलत बताऊंगी एंड में सही बताऊंगी ठीक है देखिए, अगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो यहाँ मेरा सिनेरियो गलत हो गया जिमोर्गेन्स लगाने की बात मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला ए डॉट बी डॉट सी मिला ठीक है नाउ लेट मी चेंज दी सर्किट अगेन गौर कीजिएगा ओके okay. मैंने फिर से चेंज किया अब मैं ऐसे नहीं करती अब मैंने कहा कि क्यों ना ऐसे कर लिया जाए कि एक ही दफा और लगाया जाए यहां से ए ले लिया जाए बी ले लिया जाए और सी ले लिया जाए इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट तो मुझे क्या मिल जाएगा जब मैं डिमॉर्ग लगाऊंगी यहां पे तो मुझे मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हो मिल गया क्योंकि आई नो एड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है अकॉर्डिंग टू डा मॉर्गन स्लो एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट तो देखें ये चीज तो मेरी बन गई एग्रीड बताएं चैट बॉक्स पर ठीक है भाई ओके अब सोचना ये है उस्मान भाई कि डी प्लस ई कैसे बना डी प्लस ई ये तो बन गई डी प्लस ई बनाना है आइडिया d प्लस ई बनाने के लिए हम करेंगे ये यहां पर के हम अलग अलग लेंगे हम D को अलग लेंगे यहां पर ये आ गया D कॉम्प्लीमेंट ये आ गया E कॉम्प्लीमेंट यहां से आपको D कॉम्प्लीमेंट मिला यहां से E कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को प्लस किया तो ये आपको मिल गया D कॉम्प्लीमेंट प्लस E कॉम नहीं ये गलत है क्या करें ऐसा एक शॉर्टकट है कि हम इसको यूज कर लें गौर करो कैसे हम यहां पे लगाए ये यहां लिखें डी ई e, और बबल तो ये मिल गया डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई कॉम्प्लीमेंट और फिर से लगाए यहां पे इन्वर्टर तो देखो डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई कॉम्प्लीमेंट का हो गया होल कॉम्प्लीमेंट इसको जब आप सॉल्व करेंगे जनाब तो डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट कन्वर्ट होगा प्लस में ई e कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कट कट आ गए डी प्लस ई मिल गया आपको है ना मिल गया है ना तो है अब मैं कैसे करती हूं उसको सॉरी ये सिर्फ समझाने के लिए था अब इसको फेयर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो कुछ यहां डिजाइन किया है फिर से यहां पे सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट प्लस यही था सवाल आपका नो 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 ये नहीं था सवाल सवाल था ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी प्लस सी ठीक है ये था सवाल ओके okay. तो स्टार्टिंग का और एंड का हमने डिजाइन कर लिया था सॉल्व कर लेते हैं इसको फिर से पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डिजाइन किया था तो यह आ गया हमारे पास ए बी सी इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट इतना पार्ट तो हो गया हमारा इतना पार्ट सॉल्व करना है डी प्लस ई तो इसको भी हमने सोच लिया था कि हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे इसको ये आ गया डी ये आ गया ई e, तो डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई कॉम्प्लीमेंट फिर से हम इधर क्या लगा देंगे और लगा देंगे लाइक एन इन्वर्टर तो डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डी पे डबल बार आएगी प्लस आएगा ई e पे डबल बार आएगी और फिर हमें मिल जाएगा डी प्लस ई तो ये मिल गया और आपको ये मिल गया अब इन दोनों में ऐसा क्या करें कि क्या हो जाए प्लस हो जाए और ऊपर बार आ जाए बिल्कुल अब हम ये लगा देंगे जबरदस्त तो ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट जो लिखा हुआ था यह आ गया डी प्लस ई प्लस लगाया डी प्लस ये आ गया आपका और ये आ गया कॉम्प्लीमेंट तो ये आपका बन गया सर्किट बताएं आसान है और मजेदार भी है इसको बना के तो बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया जी 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 ठीक है अब देखें मैंने आपको बड़ा मुश्किल सा दिया है वो भी मुश्किल है ट्रिकी है आसान नहीं है पहला वाला आपने नैन लगाना है बनाने की कोशिश करते हैं इसको ठीक है अब पहला वाला अभी आपने दूसरा वाला किया है ना पहला वाला बनाने की कोशिश करते हैं इसको हटा देते हैं यहां से ठीक है देख लीजिएगा उस्मान और सजावल मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है या नहीं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट है ये ए कॉम्प्लीमेंट है ये बी कॉम्प्लीमेंट है दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट एंड दिस इज बी ई सही है हमें क्या यूज करना है हमें नैंड यूज करना है नैंड थोड़ा सा सोच लेते हैं कि भाई नैंड का गेट ऐसे होता है सही और नैट बराबर होता है इसको अगर हम सॉल्व करें तो नैंड बराबर होता है इस चीज के ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आप खुद देख ले जब आप इसको सॉल्व करेंगे ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट तो ऑब्वियसली डिमोर्ज कहता है कि डॉट को कन्वर्ट कर दो प्लस में और सेपरेट सेपरेट कॉम्प्लीमेंट दे दो तो, ठीक है आप आराम से सोचते हैं कि इस चीज को कैसे डिजाइन किया जाए तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है सोचने में कि मैं इसको ले लू इस चीज के लिए क्या कहते हैं आप लोग है ना चलो ले लेंगे इस चीज को लेकिन अब बीई का क्या करें बीई का अगर हम ये करेंगे डी ई e के लिए इन्वर्टर यूज कर लें इसको सेपरेटली ये ये सॉरी डी आ आ गया आपका, ये आपका e आ गया आपका आपका ई लेको से डी कॉम्प्लीमेंट निकला यहाँ से ई कॉम्प्लीमेंट दोनों को फिर मर्ज कर दें तो ये आ गया डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा गलत हो गया यार ये तो ऐसा तो नहीं चाहिए हमें तो रिमूव करते हैं इस बात को हाँ, ये कर सकते हैं कि डी ई को एक साथ ले लें हम और डी कॉम्प्लीमेंट और फिर दोबारा लगा दें बार यहां से ई पे डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल क्या कहते हो ये अच्छा आइडिया लग रहा है चले मैं आप लोगों को पांच मिनट का टाइम दे रही हूं आप सबने अपने अपने आंसर थर्टी वन पार्टिसिपेंट्स हैं गेट बना के अपने अपने आंसर जो स्टार्टिंग के दस लोग आएंगे उनका चेक किया जाएगा देखते हैं कि स्टार्टिंग के दस कौन है जो जल्दी से इसका गेट बनाकर भेजते हैं आई नीड ओनली टेन पार्टिसिपेंट्स भेजेंगे तो आप सारे ही थर्टी वन है लेकिन आई विल सी ओनली स्टार्टिंग टेन बाकी भेजेंगे आप सभी इसका बनाइए गेट जब आप बना लेंगे देन आई वुल डिजाइन टेक योर टाइम पांच मिनट है आपके पास <coughs> 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 ओके आई जस्ट रिसीव द वन पिक्चर मुझे थर्टी टू पिक्चर्स चाहिए क्योंकि थर्टी टू पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन है एंड आई विल मार्क ऑनली स्टार्टिंग टेन आप सबने सेंड करना है थर्टी टू पार्टिसिपेंट यहाँ पे ऑनलाइन है आप सबने पिक्चर बना के भेजनी है ठीक है लास्ट वी भेजनी है ओके इसका मैं गेट डिजाइन करना स्टार्ट करती हूँ तो पहले काम ये किया कि हमने यहाँ पर ले लिया ऐसे ठीक है यह आ गया आपका ए बी एंड दिस इज सी यह आपका बन गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ठीक है उसके बाद सजावल ने ई अलग से लिया हुआ यहां पर ओके। मैंने भी यही सोचा था और फिर डबल ले लिया तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हो गया कैंसिल इन सबको जब प्लस किया गया सॉरी फिर से नैन लगाया गया तो बेहतरीन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डीई और इस पर आ गया कॉम्प्लीमेंट तो यही पिक्चर मुझे मिली आप सब इसको बनाएंगे और सेंड करेंगे ठीक है ये मैंने सेव कर लिए ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है आपने करना क्या है ना इन, इन पिक्चर की पहले तो आपने क्या लिखनी है इसकी पिक्चर ले लें सजावल ये होमवर्क है इन पिक्चर से क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है लिख के लेकर आना है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अपलोड कर दें ठीक है मुझे यहां पे दो स्टूडेंट्स का और सोल्यूशन मिला है नाम भी बताते रहे अपने एक काम ही कीजिए इनकी पिक्चर लीजिए सजावल और इसको अपलोड कर दीजिए नेक्स्ट क्लास में आई विल सी कि इन सब के आपने आउटपुट लिख के लेकर आने है ठीक है आई होप मैंने ये अपलोड कर दी है पिक्चर ग्रुप पे इस तरीके से ये सर्किट्स हैं इनकी क्या एक्सप्रेशल बनेगी आपने निकाल के लेकर आनी है ये आप लोगों का होमवर्क है अच्छे तरीके से काम कीजिएगा रजिस्टर्स में अच्छा जी अच्छा अब ये सवाल है ये आप लोग का होमवर्क है दिखाती हूं मैं आपको हम्म ये वाला ए बी डी सी ई एफ जी इसके आपने क्या बनाने सर्किट्स uh, बनाने यूजिंग नैंड एंड नोर दोनों को लेके बनाने नैंड को भी लेना है और नॉर को भी लेना है ठीक है ये वाला सवाल वन ट्वेंटी टू का ट्वेंटी टू करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आपने नोर से भी बनाना है और नैंड से भी बनाना है इसमें से एक आध सवाल अभी कर लेते हैं फिर आप लोगों का ऑफ करते हैं ठीक है जनाब तो मैंने कुछ पिक्चर भेजी है आई होप ये सारा होमवर्क आप नेक्स्ट क्लास में करके लेकर आए सबको रिस्व हो गई है पिक्चर्स अच्छा यहां पर आपने सिर्फ 22 क्वेश्चन करना है उसका एक पार्ट में यहां कराना चाहूंगी अब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ई पार्ट कराना चाहूंगी मैं ई पार्ट ठीक है ई पार्ट जो है ट्वेंटी टू क्वेश्चन का उसको मैं आपको बताऊंगी नैंड से भी और नॉर से भी ठीक है तो आप लोग आप लोगों ने भी मेरी हेल्प करनी है ई पार्ट जो है ई पार्ट में लिखा हुआ है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट ठीक है अगेन यहाँ पे कॉपी करूंगी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट यहां हम बनाएंगे नैंड के हिसाब से और यहां हम मनाएंगे नॉर के हिसाब से कैन एनी बडी हेल्प मी इन दिस चल पहले स्टार्ट करते हैं नैंड के हिसाब से तो आप सबने मुझे गाइड करना है रुबा आपने भी गाइड करना है उजैर ओके okay. तो पहले आते हैं नैंड के हिसाब से ठीक है तो स्टार्ट करते हैं यहां पे मुझे ये लग रहा है कि अगर हम नैंड के हिसाब से करें तो नैंड ले लेते हैं डायरेक्ट क्या कहते हैं आप लोग भी या आ गया आपका ए या आ गया बी एंड दिस इज ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इसी तरीके से हम सी डी भी ले लेते हैं मुझे ये ऐसे करने में ज्यादा आसान लग रहा है सी ले लिया डी ले लिया एंड दिस इज सी डॉट डी का ल कॉम्प्लीमेंट राइट देन आफ्टर डैट हम इसमें क्या एड कर सकते हैं लेकिन हमें तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए ही नहीं बताइए अगर हम इसमें नैंड लगा देंगे इसमें आते, अब हम आते हैं डिमोर्गेन थ्यूरम की तरफ अब देखिए यह आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है यहां से आपको डॉट मिल जाएगा फिर सी डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप इस पर होल कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो डॉट कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर ये ए बी पे डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सी डी पे डबल कॉम्प्लीमेंट तो आपको आंसर तो मिल रहा है ए बी प्लस सी डी लेकिन आपको तो चाहिए कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो करते हैं इसे इस पर से कॉम्प्लीमेंट हटा देते हैं तो मैंने यहां से कॉम्प्लीमेंट हटा दिया यहाँ आ गया ए बी दो दफा हो गया अब ये हट गया यहां से भी हटा दिया यह आ गया सी डी पे कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट ये भी हट गया अब जब इन दोनों को मैंने दोबारा नैंड किया तो और कीजिएगा जनाब ये आ गया ए बी डॉट सी डी का होल कॉम्प्लीमेंट और जब मैंने इसे सॉल्व किया यहां पर तो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट क्या ये बात आप सबकी समझ में आ गई ये बन गया गेट बताइए थर्टी टू पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन हैं क्या आप सबकी समझ में आ गया है ये गेट खारिज उमर रुबा हसीब असरा उजैर एंड हमसा ठीक है वानिया तथहर ऑल राइट अब देखें यहाँ पे आते हैं नॉर नॉर पे आते हैं नॉर पे आने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा ये न एनी बडी गाइड मी इन दिस सिर्फ नॉर यूज करना है हा नॉर दूसरे गेट के जो बराबर है आप उसको भी यूज कर सकते हो क्या करें आइडिया गौर कीजिएगा मैंने यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट निकाला गलत होगा तो हम इसको रिमूव कर लेंगे यहां निकाला मैंने बी कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिलाया तो ये बन गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो के बराबर है ए डॉट बी के आप सॉल्व करके देख ले मैं ये गलत हो जाएगा देखो तो सही ओके। अगर मैं इसे सॉल्व करके देख ले तो ये ए डॉट बी के बराबर है क्योंकि प्लस कन्वर्ट होगा डॉट में और ए पे दो बार आ जाएंगी बी पे दो बार आ जाएंगी दोनों कैंसिल अब देखिये मुझे चाहिए ए बी तो मिल गया अब मुझे दोबारा ए बी पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए मैंने फिर से यहाँ पे यही काम किया करके देखते नहीं हुआ तो फिर हम दूसरा बनाएंगे गेट तो ये आ गया सी और डी ये आ गया डी सी एंड दिस इज दोनों को मर्ज किया और ये आ गया आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट uh, या कॉम्प्लीमेंट बनाना प्लस डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो के बराबर है सी डॉट डी के अच्छा जी अब देखो मैंने कुछ सोचा है अब मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से देखा जाए तो ये मिल रहा है यहाँ से मुझे ये मिल रहा है तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे फिर अलग अलग मिलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट लेकिन मुझे प्लस फिर भी नहीं मिलेगा यू आर राइट कोई और स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगी क्योंकि अगर हम प्लस लगा देंगे दोबारा और इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो प्लस बन के ये कुछ ऐसे बन जाएगा जो कि हमें चाहिए नहीं थिंक समथिंग एल्स तो फिर हम ऐसा करते हैं इसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं यहां पर जो सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉर गेट की उससे ट्राई करते हैं ठीक है तो मैं इसको काट रही हूं यहां पर <coughs> मैंने यहां पे सोचा कि मुझे पता है कि इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसे है गौर कीजिएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा ही है ना लेकिन यहां पे हम ये भी नहीं लगा सकते हां ये कर सकते हैं हम एक और है इसका सोल्यूशन कि हम डायरेक्ट ले लें गौर कीजिएगा ये अगर हम डायरेक्ट ले लें इसको भी मिटा देते हैं रेजर से मैम अगर हम ए और बी दोनों मतलब ए की गेट से दो इनपुट ले लें तो हो जाएगा हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट मैं यही कह रही हूँ डायरेक्ट अगर ले लें तो हो जाएगा इनशाला देखते हैं क्योंकि तो हमने हर स्ट्रेटेजी अपना ली वहां हमें नहीं मिला आंसर तो एक आखिरी हल यही बचा है कि हम डायरेक्ट ले लें तो ये आ गया आपका नॉर ए और बी डायरेक्ट ये आ गया आपका ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा लेट्स सी सी और ये आ गया आपका डी या गया c plus d का होल को इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट बन जाने तो कोई मसला नहीं है अच्छा जी फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा c कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट अगर हम फिर से इसके ऊपर लेते हैं क्या लेते हैं बबल अगर हम इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो फिर अरे बबल लेते ले हैं ना इनको हाँ, अगर क्या लेते हो कॉम्प्लीमेंट घेरो अगर और कॉम्प्लीमेंट लेंगे ऊपर नहीं बन नहीं रहा ये ये पे बन जाएगा वो बनेगा नहीं ना हां तो मैम सी एंड डी को भी हम नैंड गेट से ही ले लें वो जो ऊपर वाला गेट लगाया हमने नॉट लगाया शायद अच्छा अच्छा सी और डी को भी नैंड गेट से कह रहे हो अगर हम सी और डी को ऐसे लेते हैं ना ऐसे ये सी और ये डी तो ये बन जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट फायदा नहीं है कुछ और सोचें आप लोग भी सोचें कुछ और इसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको ये ऐसे ले लें कि ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट शायद मैंने पहले भी किया था ये बी कॉम्प्लीमेंट सही और फिर ये आपने मिला दिया इसको हाँ अब बन जाएगा ये आ गया ए बी ये समझ में आई बात देखो यहां से ए कॉम्प्लीमेंट लिया ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यहां से लिया बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में बबल लगा दिया तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल क्या बचा ए बी यहां पे भी यही हरकत करी हमने कि भाई ये आ गया सी ये आ गया डी अब बन जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट फिर बबल लगा दिया तो बबल से बबल कैंसिल यहां मुझे मिल गया सी डी इन दोनों को मर्ज किया ठीक है अब मैं आपको तो ठीक से बना के दिखाती हूँ पेज पे आते हैं कीजिएगा ए बी प्लस सी डी हमने डिजाइन किया है नॉर्थ से अब आप देखें आपने भी जब इसको करेंगे ना सॉल्व ऑप्टिटिव क्वेश्चन को बहुत सोचना पड़ेगा आपको भी किस तरीके से किया जाए तो मैंने यहाँ पे आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल मैंने जो यहाँ पे निकाली स्ट्रेटेजी वो ये निकाली कि ए ले लेते हैं यहाँ बी ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर रही हूं मुझे छोटा छोटा लिखना चाहिए ताकि सारे गेट आ जाए ठीक है भाई ये आ गया बल्कि कैंसिल हो गए थे ना ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बबल से बबल कैंसिल तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ ए डॉट बी यहाँ आते हैं सी और ये आ गया आपका डी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट और ये आपका आ गया फिर से नेगेटिव एंड इसने बबल से बबल काट दिए तो ये बन गया सी डी अब दोनों में फिर आपने और लगाया नॉर लगाया तो ये कुछ ऐसे बन गया ए बी प्लस सी डी और ये आ गया बार चलो भाई शुक्र अलहमदल आपका गेट बन गया समझ में आ गया सबकी सेव कर रहता है इसको भी ट्वेल्थ या थर्टीन एक थर्टीन तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था अब देखिए मैंने आपको जो सारे सवाल दिए ना ट्वेंटी टू जो मैंने अपलोड करे हैं ग्रुप पर वो सब आपने अच्छे से करके लेकर यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ऑफ कर रही हूँ और जो कुछ हमने डिस्कस किया है मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर रही हूँ ठीक है बिल्कुल आखिर मैं अपलोड कर रही हूं ऑनलाइन पिक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर अलहमदुल्ला अच्छी रही है हमारी क्लास और जिस तरीके से मैं कोशिश करती हूं आपको बोर्ड पे समझाऊ <coughs> बिल्कुल वैसे ही मैंने यहां पे भी आपको समझाने की कोशिश की कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ गई हैं यहाँ पे इसको हटा देते हैं और आप सबकी समझ में भी आ गया है बस ये है कि आप रजिस्टर में फेयर कर लीजिएगा और समाच समाचे कीजिएगा ठीक है फाइनल आंसर अलग आ रहा है हमारा क्वेश्चन अलग है हमारा ठीक है क्या कह रहा है ठीक है तो लेक्चर की क्लास थी ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी क्वेश्चंस जो लेक्चर में समझ में नहीं आया सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे ठीक है ऑफ करते हैं यहां पर अल्लाह हाफिज जो काम किया अच्छे से करके लेकर आइएगा